हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी, राउथ स्टेबिलिटी क्रिटेरियन से। हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राउथ स्टेबिलिटी क्रिटेरियन के जो इम्पोर्टेंस फॉर्मूला है, सम्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राउथ क्रिटेरियन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो राउथ क्रिटेरियन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, देखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू ऑफ एस विच इज इक्वल टू ए जीरो एस रेस टू एन प्लस ए वन एस रेस टू एन वन माइनस प्लस ए टू एस रेस टू माइनस टू प्लस ए रेस टू एन इज इक्वल टू जीरो। ये है कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऐसा इक्वेशन हम लोग को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो कैसे सॉल्व करते हैं। द राउथ एरे इज एज शोन। तो सबसे पहले क्या है हम लोग के पास, एस रेस टू एन एस रेस टू एन माइनस वन एस रेस टू एन माइनस टू। ऐसे हम लोग एक्स रेस टू एन माइनस थ्री भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे ए जीरो ए टू फिर ए जीरो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ए टू ए फोर और ए सिक्स। तो 0 2 4 6। अब हमारे पास क्या लेंगे, ऑड लेंगे, ए ए टू सॉरी ए थ्री ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन ए फाइव ए सेवन। अब हमारा रिजल्ट आएगा बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ऐसे डॉट डॉट एस रेस टू जीरो तक हम लोग को फाइंड करना है, और ए रेस टू एन ए एन एस जीरो और ए एन। हम लोग को सबसे पहले ये है, तो हम लोग को गिवन रहेगा एस रेस टू एन माइनस वन हम लोग को मिल जाएगा ए जीरो ए टू ए फोर ए सिक्स ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन। हम लोग को कैलकुलेट किया मैंने तो बी वन बी टू बी थ्री। उसके बाद हम लोग जब हम लोग को ये मिल जाएगा तो हम लोग को सी वन सी टू सी थ्री फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी वन कैसे फाइंड करें हम लोग ने। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी वन के लिए, तो बी वन को कैसे फाइंड किया। तो हम लोग ए वन और ए थ्री हम लोग अलग से ले लेते, ए ज़ीरो ए टू ए वन और ए थ्री। यहाँ पे क्या एस रेस टू एन माइनस वन एस रेस टू एन माइनस टू। हम लोग यहाँ बी वन फाइंड करेंगे। बी वन के लिए हम लोग सबसे पहले ए वन का मल्टीप्लाई ए टू में और ए थ्री का मल्टीप्लाई टू में। तो बी वन हो गया क्या हमारा, बी वन इक्वल टू ए वन ए टू। सबसे पहले ए वन का ए टू माइनस ए ज़ीरो ए थ्री डिवाइड बाय ए वन। कभी भी ए वन से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्या होगा बी वन। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी बी टू को, बी टू के लिए थोड़ा अलग है देखते हैं। बी टू को लिए बी टू के लिए एस एन एस रेस टू एन माइनस वन एस रेस टू एन माइनस टू ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव। तो आप लोग देख लिए, अब हम लोग यहाँ बी टू फाइंड करना था। तो बी टू के लिए हमारा क्या रहेगा, ए वन ए फोर का मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग का ए फाइव और ए ज़ीरो का सिंपल मेथड बी टू ए वन ए थ्री ए वन ए फोर माइनस ए ज़ीरो ए फाइव डिवाइड बाय सेम ए वन। ए वन का हम लोग सब में ए वन का डिवीजन होता है। हम लोग बी थ्री के लिए देख रहे हैं, तो एस एन ए ज़ीरो ए टू ए फोर ए सिक्स एस एन एन माइनस वन ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन फिर एस एन रेस टू एन माइनस टू। तो हम लोग बी थ्री, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे बी वन बी टू और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी थ्री।
तो बी थ्री के लिए हम लोग को सेम जैसे हम लोग ने यहाँ वन ए सिक्स फर्स्ट फोर्थ और जो ए सेवन, तो बी थ्री क्या आ जाएगा हमारा ए ज़ीरो सॉरी ए वन इंटू ए सिक्स माइनस ए ज़ीरो इंटू ए सेवन अपॉन ए वन, जो भी आएगा हम लोग देखते जाएंगे। तो हम लोग ने इधर देखेंगे कैसे हम लोग किया, तो पहले सबसे पहले ए वन का ए टू में और ए वन ए ज़ीरो इंटू ए थ्री, यानी हम लोग ने इधर देखा बी वन के लिए हम लोग को ए वन इंटू ए टू ए वन ए ज़ीरो, ऐसे बी वन के लिए हम लोग को क्या बीच वाला हम लोग को ए वन इंटू ए फोर ए ज़ीरो इंटू ए फाइव सीधा। फिर इसी तरह हम लोग को बी थ्री नहीं लेना था ए वन इंटू ए सिक्स और ए ज़ीरो इंटू ए सेवन, तो ऐसे बहुत ईजी है।